वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ एग वीडियो सीरीज। अब एग और कोलेस्ट्रॉल का रिलेशन समझने के बाद आज वी विल फाइनली डील विद द बर्निंग क्वेश्चन कि एक दिन में आप कितने एग्स सेफली खा सकते हैं। इसका सीधा आंसर यह है कि एक दिन में आप कितने अंडे सेफली खा सकते हैं, यह आपके फिजिकल एक्टिविटी पे एंड आपके बॉडी टाइप पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडी शेयर करूंगा जिससे आपको एक कंप्लीटली प्रूफ हो जाएगा कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान एक दिन में कितने अंडे सेफली खा सकता है। साथ ही कुछ स्पेसिफिक केसेस एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा उनके लिए जो मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। मार्गरेट फ्लिन एंड जीबी नोफ ने मई 1979 में एक रिसर्च किया जो उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में भी पब्लिश किया। 160 मेल वॉलंटियर्स जिनकी एज 32 टू 62 ईयर्स के बीच की थी, उन्होंने 2 होल एग्स डेली अपने रेगुलर डाइट में 3 महीने के लिए इंक्लूड किया। इस पीरियड के पहले 3 महीने एंड इसके बाद 3 महीने उन्होंने अपने डाइट से एग को पूरी तरह से हटा दिया था ताकि 3 सेट्स ऑफ डेटा कलेक्ट किया जा सके। मतलब पूरे 9 महीने तक चली इस स्टडी में हर 3 महीने डाइट को चेंज करके हर सेट का अलग डेटा कलेक्ट किया गया। रिजल्ट ये था कि इन सारे लोगों में सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड हर सिचुएशन में ही नॉर्मल रेंज में रहे। 70% लोगों के एलडीएल में कोई फर्क नहीं आया एंड कुछ लोगों ने माइल्ड इंक्रीज फील किया और लगभग ये 30% लोग हाइपर रिस्पोंडर की कैटेगरी में पड़ते हैं। हाइपर रिस्पोंडर वो लोग होते हैं जिनको यूजली कुछ पर्टिकुलर फूड ग्रुप खाने में थोड़ा एक्सट्रीम रिजल्ट दिखता है। लेकिन ये याद रखिए कि इन 30% हाइपर रिस्पोंडर में भी एग्स खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल में एलडीएल हाई होगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। डेली एग लेने से आपके ब्लड लेवल में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। सो साइंस ने ये क्लियर कर दिया है कि एक हेल्दी पर्सन पर डे 3 होल एग्स तक खा सकता है। ये मैंने इस वीडियो सीरीज के दोनों पार्ट में मल्टीपल स्टडीज से ऑलरेडी प्रूव कर दिया है एंड एग्स आपकी बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ाता है। एग्स में नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। इसमें इंपॉर्टेंट ब्रेन न्यूट्रिएंट्स और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है दैट प्रोटेक्ट योर आईज। लेकिन फिर भी एक डाउट रह ही जाता है कि दिन में अगर हम 3 अंडे से ज्यादा खाएं तो इससे क्या कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सालों से लोगों को एग्स का कंजम्पशन लिमिटेड लेने को कहा जाता है क्योंकि एक सिंगल मीडियम साइज एग में 186 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके डेली रिकमेंडेड कोलेस्ट्रॉल इंटेक का 62% के बराबर है। वही व्हाइट पार्ट में प्रोटीन बहुत होता है और कोलेस्ट्रॉल कम, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते हैं कि एक हफ्ते में आपको मैक्स 2 से 6 योक ही लेने चाहिए। हालांकि इस लिमिटेशन का कोई 100% साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जिसमें एक पर्सन को 3 eggs पर डे से ज़्यादा दिया गया हो। मे बी इससे ज़्यादा आपकी हेल्थ को नेगेटिव इम्पैक्ट करे या ना करे, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो 3 eggs पर डे इज सुपर सेफ। हाउएवर एक केस में एक 88 ओल्ड मैन के बारे में पता चला जो 25 eggs पर डे कंज्यूम करता था एंड उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था एंड वो ओवरऑल बहुत ही अच्छी हेल्थ कंडीशन में था। एफ कर्न जूनियर ने मार्च 1991 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में अपनी रिसर्च पब्लिश करी। ये स्टडी इस 88 ईयर्स ओल्ड मैन पे की गई। ये आदमी एक रिटायरमेंट कम्युनिटी में रहता था जिस वजह से जब उस कम्युनिटी के नर्स को रोज वहां 25 एग्स डिलीवर करने जाना पड़ा तो ये बात सामने आई कि ये आदमी कई सालों से 25 अंडे रोज कंज्यूम करता था। इस आदमी को ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था जो एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें इंसान को एक बिहेवियर पैटर्न रिपीट करते रहने की आदत हो जाती है। इस केस में दिन में 25 अंडे खाना इस 88 ईयर्स ओल्ड आदमी की कंपल्सिव आदत थी। डॉक्टर्स ने ये चेक करना चाहा कि इससे उनके कोलेस्ट्रॉल में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, पर डिफरेंस नोट करने के लिए पेशेंट को किसी और डाइट पर डालना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये आदत पेशेंट के साइकोलॉजी से रिलेट हो चुकी थी। इसलिए एक दूसरा फोकस ग्रुप तैयार किया गया जिसमें 11 वॉलंटियर्स जिनमें 10 वुमेन और 1 मैन थे, उन्हें 18 डेज तक नॉर्मल डाइट पर रखा गया एंड फिर उसके 18 दिन बाद उन्हें 5 एग्स पर डे खाने के लिए बोला गया। इस स्टडी के एंड तक सारे ही सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 88 ईयर्स ओल्ड मैन पूरी तरह से हेल्दी थे। बस 8 सब्जेक्ट्स में हल्के गॉल स्टोन्स के लेयर दिखाई दिए, लेकिन ये गॉल स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक्स थे।
एंड रेडियोल्यूसेंट मतलब इतने सॉलिड नहीं थे कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ये साफ दिख सके, एंड इनसे कोई दर्द या हेल्थ पे कोई सिम्टम का असर भी नहीं था। इनका बस आउटलाइन ही देखा गया था जिससे ओवरऑल हेल्थ पे कोई खतरा नहीं था। ऑफ कोर्स सिर्फ एक इंसान के एक्सट्रीम एग कंजम्पशन पे हम पूरी दुनिया को इतने सारे एग्स खाने का सजेशन तो नहीं दे सकते, पर यह स्टडी आपको भी इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, सारे एग्स एक जैसे नहीं होते। सुपरमार्केट में मिलने वाले मोस्ट एग्स फैक्ट्री रेस्ड चिकन से आते हैं। इन चिकन्स को फैक्ट्री में बहुत ही कंजस्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है एंड सिर्फ ग्रेन से फीड किया जाता है, जबकि हेल्दीएस्ट एग वो होते हैं जो ओमेगा 3 एनरिच्ड होते हैं, एंड वो ऐसे चिकन से आते हैं जो फार्म में खुले में रेस्ड किए जाते हैं, जिनको वॉर्म्स एंड ग्रेन्स का फीड दिया जाता है जो नेचुरल भी होता है एंड ओमेगा 3 का बेटर सोर्स भी होता है। ऐसे चिकन के एग्स ओमेगा 3 रिच होने के साथ साथ उनमें फैट सोल्यूबल वाइटामिन भी रिच होते हैं। Obviously, the quality of eggs will also have a direct impact on your health. इस वीडियो के एंड तक अगर मैं समरी में बोलूं तो तीन पॉइंट्स ही मेन है। फर्स्ट, एग्स आर द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड इन द वर्ल्ड। सेकेंड, एग्स डू नॉट कॉज अ राइज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन नॉर्मल हेल्दी पीपल। जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनका हेल्थ लेवल नॉर्मल लोगों से थोड़ा एडवांस होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी से है तो आपको तो रेगुलर एग खाने में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर इजिली गोइंग टू बर्न ईच एंड एवरी कैलोरी डेट यू टेक फ्रॉम एग्स। थर्ड, यू कैन सेफली हैव 3 to 5 एग्स पर डे, बट यू कैन इंक्रीज योर एग कंजम्पशन डिपेंडिंग ऑन योर ओन बॉडी नीड्स। याद रखिए, मिनिमम कितने एग्स पर डे सेफ है इसका टेस्ट हुआ है, पर मैक्सिमम आप कितने एग्स पर डे सेफली खा सकते हैं या आपके इंडिविजुअल बॉडी हेल्थ कंडीशन एंड ट्रेनिंग या मूवमेंट एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप जिम जाते हैं एंड मसल बिल्डिंग करते हैं एंड साथ साथ एग्स खा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि योर बॉडी इज एक्टिव। एंड अगर आप जिम के साथ साथ डेली बॉडी मूवमेंट एंड कुछ बॉडी एक्टिविटी भी करते हैं तो ये नंबर आपके लिए नहीं है। आप इजिली डेली के 5 से 15 एग खा सकते हैं बिकॉज आप नॉर्मल लोगों में काउंट नहीं होते। रिमेंबर दिस। बाहुबली के लिए अपनी फिजिक को बनाते वक्त एक्टर प्रभास एक बहुत ही स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे थे। इस मूवी के लिए प्रभास के फिजिक को तैयार करने की जिम्मेदारी इंडियन बॉडीबिल्डिंग सर्किट के बहुत ही फेमस एंड रिस्पेक्टेड ट्रेनर को दी गई थी, जिसका नाम था लक्ष्मण रेड्डी। मिस्टर रेड्डी एंड एक्सपर्ट डाइटिशियंस के गाइडेंस में प्रभास का जो डाइट चार्ट बना था वो हाई कैलोरी एनिमल प्रोटीन डाइट था, ताकि 6 मंथ के अंदर वो 20 kg लीन मसल मास पुट ऑन कर सके। इस डाइट का एक स्पेशल पार्ट ये था कि उन्हें दिन भर में 40 एग्स लेने होते। यस, 40 एग्स पर डे। लेकिन इन 40 एग्स में एग व्हाइट का प्रपोर्शन एग योक के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लेते थे। ये 40 एग्स पर डे वाली डाइट फिल्म के प्रमोशन के वक्त मल्टीपल जगह पे प्रभास और उनकी ट्रेनिंग टीम ने मल्टीपल टाइम कंफर्म भी किया है। इनफैक्ट जब हॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर ड्वेन जॉनसन फिल्म हरकुलिस की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने 12 लेबर डाइट फॉलो किया था, जिसमें दिन की शुरुआत वो 4 एग्स से करते थे एंड दिन के एंड में 10 एग्स का ऑमलेट हर दिन अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे। इनकी डाइट में भी एग व्हाइट का प्रपोर्शन एग योक के मुकाबले हाई होता है, पर एग योक ये पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करते। ये बात अलग है कि हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ में ना बाहुबली बनना चाहते हैं ना हरकुलिस, बस फिट रहना चाहते हैं एंड अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि लीन मसल मास के लिए बॉडी को ट्रेन करते वक्त आपको अपनी बॉडी के प्रोटीन की इनटेक बढ़ानी पड़ती है एंड उसके लिए आप एग्स को अनदेखा नहीं कर सकते। एग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन फॉर योर बॉडी। मैं अपना पर्सनल डाइट एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मैं हमेशा से ही अपने डेली डाइट में एग्स लेता रहा हूँ, बट स्पेसिफिकली जब से मैंने सीरियसली अपना मसल मास बिल्डिंग पे वर्क स्टार्ट किया है तब से मैंने अपने डाइट में एग्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है। अब मैं वीक में एटलीस्ट 6 डेज एग खाता हूँ, जिसमें पर डे एटलीस्ट 8 to 10 एग्स इंक्लूड होते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, आई ईट फॉर प्लेजर नॉट फॉर प्रोटीन। ये डाइट मैं लास्ट 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ एंड हर 2 या 3 महीने में मेरा पूरा बॉडी चेकअप होता है एंड आज तक मुझे कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आई। तो क्या अब आप भी अपने डेली डाइट में एग्स को इंक्लूड करेंगे? डू यू थिंक इस 3rd पार्ट वीडियो सीरीज के बाद आपका एग को लेकर के नजरिया कुछ हद तक चेंज हुआ? प्लीज मुझे अपने एग डाइट का एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सो वी कैन ऑल यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू हेल्प ईच अदर टू गेट आवर ड्रीम फिजिक।
8 eggs daily depending on your daily needs. I will be back with another content very soon. Till then, stay safe, be happy.